एक किराए के मकान में लंबे समय से सेक्स रैकेट संचालित किया जा रहा था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छापा मारकर 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 4 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। सेक्स रैकेट चला रहे लोग दिल्ली, असम और पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे हैं। मामला उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी का है, जहां एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने मुखानी थाना क्षेत्र के लाल डांट में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। दरअसल टीम को इस बात की सूचना मिल रही थी कि लाल डांट इलाके में एक किराए के मकान में कोलकाता और असम के दंपति, जिनके द्वारा सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है, पुलिस ने महिला सरगना के पति अनुरुल शेख के साथ ही असम की महिला के पति अली हैदर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि पकड़ी गई एक महिला ज्यादा पैसों के झांसे में आकर कोलकाता से हल्द्वानी पहुंच गई थी। एक युवती दिल्ली की रहने वाली है। पुलिस ने काठ गोदाम नई बस्ती क्षेत्र के रहने वाले 2 ग्राहकों को भी गिरफ्तार किया है। बताया गया कि महिला सरगना 2.5 साल के बच्चे की माँ है। ये लोग लंबे समय से इस काम में सक्रिय थे और देह व्यापार के लिए कई बार जगह भी बदल चुके थे। बहरहाल इस मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी थी। इसमें बेसिकली 8 लोग हैं, 4 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं, और ये अलग अलग स्टेट से हैं। कुछ दिल्ली के हैं, कुछ बंगाल के हैं। इस पर हमारी जो पूरी टीम है एंटी ह्यूमन की, SOG है, वो काफ़ी टाइम से वर्क कर रही थी कि कुछ हमें मिल जाए, क्लू मिल जाए। आज हमें कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली तो उसके बेसिस पे टीम ने एक्ट करा और इसको पकड़ा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग जगह से आ रखे हैं यहाँ पे। कितने लंबे समय से रह रहे थे इसका तो अभी जाँच होगी तभी पता चल पाएगा।